25 अप्रैल 2022 आईपीएल सीजन 2022 का 48वां मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों ही टीम्स का प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है। चेन्नई की टीम नीचे से दूसरे यानी 9वें और पंजाब की टीम नीचे से तीसरे यानी 8वें स्थान पर है। दोनों टीम्स के बीच इस सीजन ये दूसरा मुकाबला है। इससे पहले हुए मैच में मयंक की कप्तानी वाले पंजाब ने 54 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस सीजन पंजाब ने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ सीएसके की टीम अपने 5 मुकाबले हार चुकी है। शुरुआत पंजाब की बात से करें तो टीम ने पहले मैच में बैंगलोर को 5 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की थी। दूसरे मैच में टीम को केकेआर के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मुकाबले में चेन्नई को 54 रन से हराकर टीम ने शानदार वापसी की। चौथे मैच में टीम को गुजरात के हाथों 6 विकेट से हार मिली। अगले मैच में टीम ने मुंबई के खिलाफ 12 रन से जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद टीम का अभियान पटरी से उतर गया और पिछले 3 मुकाबलों में लगातार टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बात चेन्नई की करें तो टीम को शुरुआती 4 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी। पहले मैच में केकेआर ने 6 विकेट, दूसरे मुकाबले में लखनऊ ने 6 विकेट, तीसरे में पंजाब ने 54 रन और चौथे में हैदराबाद ने 8 विकेट से हराया। पांचवें मैच में सीएसके ने बैंगलोर को 23 रनों से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की। छठे मुकाबले में टीम को गुजरात के हाथों 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि 7वें मैच में टीम ने मुंबई को 3 विकेट से हराया। इस सीजन दोनों ही टीम्स के कप्तानों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ना तो रविंद्र जडेजा और ना ही मयंक अग्रवाल अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन कर पाए हैं। साथ ही दोनों ही टीम्स का परफेक्ट प्लेइंग 11 अब तक तैयार नहीं हो पाया है। बात चेन्नई की करें तो टीम ने पिछले मुकाबले में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सीएसके टीम के ओपनर्स की बात करें तो अनुभवी रॉबिन उथप्पा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके नाम 7 मैचों में 227 रन है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 मैच को छोड़कर अब तक निराश ही किया है। इस सीजन 100 रन से ज्यादा बनाने वाले सभी खिलाड़ियों में ऋतुराज का औसत 15.4 के साथ सबसे खराब रहा है। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे ने अच्छी पारियां खेली हैं, जबकि धोनी ने पिछले मुकाबले में फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाया। बात गेंदबाजी की करें तो उसमें काफी सुधार हुआ है। ड्वेन ब्रावो ने प्रभावित किया है। ब्रावो के नाम 7 मैच में 12 विकेट है। पावर प्ले में टीम की गेंदबाजी काफी सुधरी है। शुरुआती 4 मुकाबलों में जहां गेंदबाजों ने 103.5 की औसत से केवल 2 विकेट हासिल किए थे, वहीं आखिरी 3 मुकाबलों में गेंदबाजों ने पावर प्ले में 6.7 की इकोनॉमी और 13.4 की औसत से 9 विकेट हासिल किए हैं। इसका काफी श्रेय महेश तिक्षणा को भी जाता है, जबकि पंजाब के ओपनर्स ने पावर प्ले में 9.52 के रन रेट से रन बनाए हैं, जो कि इस टूर्नामेंट में दूसरा सबसे ज्यादा है। हालांकि इसके बाद टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया है। पूरी टीम लियम लिविंगस्टन के ऊपर निर्भर नजर आती है। लिविंगस्टन ने 7 मैचों में 226 रन बनाए हैं, जहां उनका स्ट्राइक रेट 182.25 का रहा है। वही गेंदबाजी में टीम को सुधार की जरूरत है। अब बारी इस प्रीव्यू के अगले सेगमेंट की, जहां हम आपको सुनाते हैं इन टीम्स के किसी खिलाड़ी से जुड़ा एक किस्सा। 1 नवंबर 2020 सीजन का 53वां मैच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर खेला जा रहा था। आमने सामने थे चेन्नई और पंजाब। मुकाबले में चेन्नई के कप्तान धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 153 रन का स्कोर खड़ा किया। पंजाब के लिए दीपक हुड्डा ने 30 गेंदों पर 62 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। जवाब में खेलने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत शानदार रही। डुप्लेसी और गायकवाड़ ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 82 रन जोड़ डाले। डुप्लेसी 48 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद खेलने आए रायडू ने गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। रायडू 30 गेंदों पर 30 और गायकवाड़ 49 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे। एक बार फिर अब जब टीम मुश्किल में है तो टीम को गायकवाड़ से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिससे टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रह सके। ये खबर आपके लिए लिखी है रवि ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स।